हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर हाउस ऑफ फिजिकल एजुकेशन कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस चैनल पर मैं लगातार आपको पुराने पेपर्स जो भी हैं उनकी तैयारी करा रहा हूं, उनको आपको रिवीजन करवा रहा हूं और प्रैक्टिस लगवा रहा हूं। कुछ लोगों का ये मानना है कि यूपी टीजीटी में सिर्फ यूपी टीजीटी के ही पुराने क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जबकि मैं उनके डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कहीं भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं तो किसी भी एग्ज़ाम के पेपर किसी भी एग्ज़ाम में रिपीट किया जा सकते हैं या फिर वहां से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हो सकता है केंद्रीय विद्यालय वाला नवोदय में आए, आपने देखा भी होगा अगर आप अभी तक मेरे चैनल से जुड़े हैं, और अभी तक जितने वीडियोस आपने देखे होंगे पुराने, और एक बार आप खुद उठाकर इसको आप एनालिसिस कर लीजिए। मैंने एनालिसिस किया है कि एग्ज़ाम में पुराने क्वेश्चन पेपर से कुछ क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम कहीं का भी हो। हो सकता है एलटी का भी पेपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या DSSSB का रिपीट हो जाए, या फिर UGC नेट का रिपीट हो जाए, लेकिन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे पुराने एग्जाम्स के, ये ज़रूर है। कुछ कम परसेंट मिलेंगे लेकिन मिलेंगे ज़रूर, इस बात पर आप श्योर रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले मैंने जून 2006 का डाल दिया है, आज हम लोग दिसंबर 2006 का पेपर जो कि यूजीसी नेट में आया हुआ है उसको देखेंगे। और मैं अपने दर्शकों से बोलना चाहता हूं कि जो भी उनके मन में डाउट होता हो या किसी प्रकार का अगर मैंने गलत आंसर बताया भी है, तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मुझसे चैट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और आपको प्रूफ चाहिए तो आप डायरेक्टली वहाँ पे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा एविडेंस के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे वीडियो है, मुझे सबको लेके चलना होता है, इस वजह से मैं ज़्यादा यहाँ पे रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो चलते हैं आगे और देख लेते हैं आज का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस भी आपने बहुत बार देखा होगा, मेरे हिसाब से ये 2015 के DSSSB में PGT में पूछा गया था, और वहाँ भी पहला क्वेश्चन यही था कि द ओलंपिक मूवमेंट वॉज ब्रॉड टू इंडिया बाई। देखिए, एकदम मैं बता रहा हूँ ना कि अगर आपने पुराने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा, क्वेश्चंस को देखा होगा, तो देखिए UGC नेट के क्वेश्चन काफ़ी वहाँ से मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि 2006 में UGC नेट ने पेपर बनाया था, ये सब क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। तो अब उसी क्वेश्चन को क्या किया जाते हैं, कॉपी किया जाता है। सारे क्वेश्चन जो है, लगभग सारे क्वेश्चन वो नेट के ही कॉपी किए गए क्वेश्चन हैं, लेकिन हाँ ज़्यादा नहीं है। मैंने ये भी बताया है कि 2013, 2014, 2015 तक के क्वेश्चन पेपर रिपीट हुए हैं, उसके बाद के क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए हैं। तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका है कि द ओलंपिक मूवमेंट वाज ब्रॉड टू इंडिया। तो ओलंपिक मूवमेंट इंडिया में, यानी कि किसने लाया था, किसने शुरुआत की थी ओलंपिक मूवमेंट इंडिया में, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सर दोराबजी टाटा ने ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत की थी इंडिया में, और इन्होंने ही IOA के लिए फंड को दिया हुआ था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि द 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स विल बी हेल्ड। तो देखिए ये 2006 का पेपर आया हुआ है, इसलिए वहाँ पे उस समय करेंट क्वेश्चन था ये। अब ये क्वेश्चन बीत चुका है, 10 साल हो चुके हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम 2010 में कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी इंडिया में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन यहाँ पर और देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है कि द न्यू लुक एट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो नया अगर लुक देखा जाए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कॉग्निटिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन, ठीक है। तो ये इस समय की ऑब्जेक्टिव है नए फिजिकल एजुकेशन के लिए। और ये क्वेश्चंस आपको अभी नए देखने को मिले होंगे KVS वगैरह में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चंस 2006 में ही नेट में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि पाइकनिक इज वन ऑफ द बॉडी टाइप एज क्लासिफाइड बाई। तो पाइकनिक एक क्या है कि बॉडी टाइप का क्लासिफिकेशन है, तो वो किसने दिया आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये आपका क्रैशमर ने दिया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। कुछ बच्चों का यही कहना है सर आप हिंदी में नहीं इसको दिए हैं, तो भाई मैं हिंदी में आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ हिंदी में मिल जाएगा। और इंग्लिश पढ़ने के बाद मैं आपको हिंदी तो बताता हूँ,
मैंने क्वेश्चन पेपर पढ़ा, मैं बोल रहा हूँ तो हिंदी तो बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन पेपर मैं पढ़ रहा हूँ, आप प्रैक्टिस सेट वहाँ लगाइए लेकिन समझिए यहाँ पर, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। आप पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, उसका प्रिंटआउट निकाल के वहाँ पर प्रैक्टिस करिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस आप यहाँ से कर सकते, आप अपना से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ समझने के लिए अगर अगल बगल वाला कोई भी क्वेश्चन पेपर में अगर होता ना, जैसे एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश होता, तो मैं ज़रूर उसको लेकर आता कहीं ना कहीं से। देखिए अभी तो जितने पेपर में लेकर आया हूँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि इंग्लिश हिंदी एक पेपर में लेकर आऊँ, लेकिन इसके पेपर मुझे नहीं मिले हैं, इस वजह से मुझे ऐसे लाना पड़ रहा है। तो प्लीज़ इसके लिए आप थोड़ा सा समझा करिए बात को। तो देख लेते हैं इसका जो राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है इलियड और ओडिसी, ठीक है। ग्रेट इपिक्स यानी कि जो महाकाव्य लिखा था, काव्य लिखा था इलियड और ओडिसी, किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इज, सॉरी हाँ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर सिक्स को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स का कह रहा है कि एक्टिव साइट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल। तो सेल में एक्टिव साइट क्या होता है एनर्जी प्रोडक्शन का, आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर है सिक्स का ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेवन को देख लेते। क्वेश्चन नंबर सेवन यहाँ पे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ हाइड्रोथेरेपी। तो इसमें से कौन सा हाइड्रोथेरेपी का पार्ट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वैक्स बाथ, ठीक है। ये थर्मोथेरेपी का पार्ट होता है वैक्स बाथ, ना कि हाइड्रोथेरेपी का होता है। क्रायोथेरेपी भी एक अलग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है यहाँ पे कि द ग्रेटर नंबर ऑफ वाइड मसल फाइबर आर फाउंड इन। तो सबसे अधिक संख्या में वाइड मसल फाइबर्स किस खिलाड़ी में पाए जाते हैं, आपको ये बताना है। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वाइड मसल फाइबर्स और फ्लोटेज मसल फाइबर, देखिए ह्यूमन मसल्स के अंदर, ठीक है, स्केलेटल मसल्स के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक होता है वाइट और एक होता है रेड। तो वाइट मसल फाइबर्स को हम कहते हैं फास्ट ट्विच मसल फाइबर फास्ट, और रेड मसल फाइबर को हम कहते हैं स्लो ट्विच मसल फाइबर। तो आपको जब स्लो और फास्ट पता चल गया तो आपको समझ में आ गया किस खिलाड़ी को किस तरह का मसल फाइबर चाहिए। अब होता क्या है कि इंसान के अंदर दोनों तरह के मसल फाइबर्स का रेशियो होता है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ मसल फाइबर का जिसका रेशियो ज़्यादा होगा तो खिलाड़ी की क्षमता उससे संबंधित ज़्यादा अच्छी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंटर वालों को वाइड मसल फाइबर ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, यहाँ पे नाइन क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी देखिए बहुत बार मैंने देखा हुआ है, एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूपी टीजीटी 2000, अगर आप देखेंगे यूपी टीजीटी 2016 में ये एग्जाम डायरेक्टली पूछे गए हैं, ठीक है, कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसे कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी जड़त्व का नियम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर टेन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन यहाँ बोल रहा है टेंजेंशियल मोशन ओरिजिनेट फ्रॉम, तो टेंजेंशियल मोशन जो होता है वो एक रोटेशन मोशन होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि द फोर्स क्रिएटेड बिटवीन टू कॉन्टैक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड। जब ऐसा फोर्स जो दो कॉन्ट्रैक्ट सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट कराता हो तो उससे हम फोर्स को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये आपका फ्रिक्शन फोर्स होता है। कौन सा फोर्स होता है? फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। जो दो सरफेसेस के बीच में फोर्स लगता है उसे हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ मीडियो लेटरल एक्सिस एंड सेजिटल प्लेन। पिछले वीडियो में किसी बच्चे ने बोला था कि सर एक्सिस और प्लेन देख लीजिए, भाई गलत आप बता रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि कोई भी चीज़ अगर नहीं आती है आपको और डिस्कस ही करना है तो आप मुझसे आइए और मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पे बातें करके समझा दूँगा, ठीक है, कोशिश करूँगा समझाने की।
आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि मीडियल लेटर एक्सिस और सजिटल प्लेन। तो सजिटल प्लेन बॉडी को मैंने बताया था कि सजिटल प्लेन जो होता है बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, वो बांटता है कौन कौन सा, लेफ्ट और राइट, ठीक है, दो हिस्सों में। सजिटल मतलब साइड टू साइड बांटेगा। फ्रंटल बोन क्या करता है, बॉडी को दो हिस्सों में बांटता है, फ्रंट और बैक, ठीक है। और इसी तरीके से ट्रांसवर्स प्लेन जो होता है वो बॉडी को, देखिए यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे तो सजिटल प्लेन यानी एस से यहाँ पर आपका एस से सजिटल यानी साइड टू साइड बांट रहा है, और फ्रंटल प्लेन क्या हो रहा है, मैंने ये भी पिछले वीडियो में समझाया है। ट्रांसवर्स प्लेन आपको क्या करता है कि दो हिस्सों में बांटता है, एक होता है टॉप और एक होता है बॉटम। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं, समझ में आया। तो इसका मुझे राइट आंसर नहीं मिला था इस क्वेश्चन का, इसलिए मैं इसका राइट आंसर आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आंसर की में दिया हुआ है लेकिन मैं उसको नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी लगते हैं कमेंट करने कि सर आपने इस तरीके से किया, मतलब ये इसका आंसर ये होना चाहिए। तो भाई आपको जो पता है तो आप कर लो इसको, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नहीं बताऊंगा आपको। चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं कि द आइजैक पर्सनालिटी इन्वेंट्री मेजर्स। तो आइजैक पर्सनालिटी इन्वेंट्री किसको मेजर करता है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन दोनों तरह की पर्सनालिटी को मेजर करता है कौन, आइजैक पर्सनालिटी इन्वेंट्री। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज आउटकम ऑफ, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट किस का आउटकम होता है, किस पर निर्भर करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पे हमारे पर्सनालिटी क्या होती हैं, डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे पूछ रहा है फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट ब्रॉट अबाउट बाई साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म इज, हम फिजियोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट करते हैं किसी साइकोलॉजिकल मैकेनिक की वजह से, साइकोलॉजिकल मैकेनिकल, तो ये क्या हो रहा है कि मतलब कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करके मैकेनिज्म का यूज़ करके हम उसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है यहाँ पे कि स्पार्क प्लग ऑफ एनी स्कूल प्रोग्राम, तो स्पार्क प्लग ऑफ एनी स्कूल प्रोग्राम तो दैट इज कैरिकुलम। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर टाइम टेबल होता है, जबकि ऐसा नहीं है, करिकुलम होता है स्पार्क प्लग ऑफ एनी स्कूल, ठीक है। आइए, कैरिकुलम ही डिसाइड करता है कि आपको क्या करना है, किस बच्चे को क्या पढ़ना है, कैसे करना है, बाकी आप समझदार हैं तो आप अपना आंसर खुद से बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल, यहाँ पे बात हो रही है नेक्स्ट क्वेश्चन की, बोल रहे हैं कि प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स इन गवर्नमेंट गवर्न बाय, देखिए ये अगर आपने देखा होगा तो ये क्वेश्चन मैं आपको DSSSB में भी दिखा दूंगा और ये क्वेश्चन मैं आपको UPTGT में भी दिखा दूंगा, ये दोनों जगह ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पुराने पेपर्स में आप देखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कि फिजिकल एजुकेशन के जो प्रोफेशनल प्रिपरेशन के, ठीक है, एजुकेशन जो टीचर्स का होता है उसे मतलब कौन गवर्न करता है, सरकारी तौर पर किसको उस पर मिलता है, तो NCT होना चाहिए, NCT अप्रूव करता है। NCT का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन और यह संस्था बनी थी 1995 में, ठीक है, 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और वहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है, ये भी देखिए ये क्वेश्चन भी अगर आपने पुराने पेपर लगाए होंगे DSSSB के या फिर UPTGT के तो आपको मिलेगा, शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग साइकिल इन स्पोर्ट्स इज, तो शॉर्टेस्ट क्या है यहाँ पे, माइक्रो साइकिल, सबसे छोटा होता है जो कि 7 से 10 दिन का होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, ये क्वेश्चन भी आपको UPTGT में देखने को मिला होगा, ये क्वेश्चन आप ज़रूर UPTGT में देखे होंगे, ठीक है, UPTGT में इसको आप ज़रूर देखे होंगे। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी कौन माना जाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी माना जाता है आपका प्रोटीन, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कैलिपर मेजर्ड, तो कैलिपर्ड क्या मेजर करता है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन सी जिस तरह से पूछा है ये सही नहीं है, और यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि स्किन फोल्ड कैलिपर, यहाँ पे ये अगर बात होता क्योंकि फिजिक्स में भी कैलिपर यूज होता है
तो उस कैलिपर को यूज करते हैं किस चीज़ के लिए, तो विड्थ के लिए यूज करते हैं। अब मुझसे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर सर्कमफ्रेंस नापता है, अरे भाई कैलिपर यहाँ स्किन फोल्ड कैलिपर की बात नहीं कर रहा, अगर इसने ये बोला होता कि स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मेजर करता है तब वो आपके सर्कमफ्रेंस मतलब आपकी फ्रैट का सर्कमफ्रेंस देखो देखता है, तो यहाँ पे विड्थ आपका राइट आंसर होगा। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, देख लेते हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस आने के चांस हैं और नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन फिर भी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे किया जाता है मैं बार बार अपने वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको ऑप्शन ए पढ़ना है, फिर दूसरा वाला आर पढ़ना है। और चलिए तो देखते हैं, पहले स्ट्रेंथ कैन बी डेवलप्ड बाय परफॉर्मिंग एक्सरसाइज विद सब मैक्सिमम वेट, एकदम सही है ये स्टेटमेंट, पर देखना है कि सही है कि नहीं है। स्टेटमेंट सही है कि सब मैक्सिमम वेट अगर हम देते हैं तो हम परफॉर्म करके अपनी स्ट्रेंथ को गेन कर सकते हैं। यहाँ लिखा एक्सरसाइज विद सब मैक्सिमम वेट डेवलप्स मसल्स हाइपरट्रॉफी, ये भी बात सही है कि जब वेट डेवलप करता है सब मैक्सिमम वेट आपके मसल्स हाइपरट्रॉफी को डेवलप करता है। मसल हाइपरट्रॉफी का मतलब मैंने बताया है कि जब आपके फाइबर्स की थिकनेस बढ़ जाती है और फाइबर की साइज बढ़ जाती है, मसल फाइबर्स बढ़ जाते हैं, तो इसे मसल हाइपरट्रॉफी के नाम से हम जानते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेथ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, ए और आर दोनों यहाँ पे सही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं। यहाँ बोल रहा है कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एस्टैब्लिशेस द ऑथेंटिसिटी ऑफ जेन्युइननेस ऑफ डेटा, तो एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म क्या होता है जो कि एक ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करता है जो डेटा के बारे में बताता है। और यहाँ पे बता रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे क्या बता रहा है इसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ बता रहा है कि रिसर्चर शुड गेट ट्रू डेटा, तो रिसर्चर क्या प्राप्त करते हैं, हमेशा सही डेटा प्राप्त करते हैं। तो ये बात भी सही है कि अगर जब तक कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगा, आलोचना नहीं होगा, तब तक कोई हमें अथॉरिटी ऑथेंटिसिटी जानकारी नहीं मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एन आर आर ट्रू, ठीक है, दोनों बात सही हो रही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हमें इनमें दोनों कॉन्सेप्ट को समझना है। और देख लेते हैं कि रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट मे बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, एकदम सही बात बोल रहा है कि जो मतलब रिलायबिलिटी होती है वो क्या करता है कि कंसिस्टेंसी को मेजर करता है कि रिजल्ट की कंसिस्टेंसी है कि नहीं, बार बार रिजल्ट बदल तो नहीं जा रहा है। अगर हम एक ही बच्चे पे बार बार कोई टेस्ट को बार बार टेस्ट कर रहे हैं और रिजल्ट में कोई भी परिणाम में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, यानी कि उसके रिजल्ट में कंसिस्टेंट बना हुआ है, कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो दैट इज़ अ रिलायबल, ठीक है, रिलायबिलिटी का यही मतलब होता है। और दूसरा बात कह रहा है कि स्प्लिट हाफ मेथड कैन नॉट बी मेजर ऑफ रिलायबिलिटी, एकदम गलत बात कह रहा है यहाँ पे। तो ये जो आपका आर देख रहे हैं ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि ये बोला स्प्लिट हाफ मेथड सी रिलायबिलिटी का दूसरा पार्ट मतलब एक उसके टाइप्स में आता है और बोल रहा है कि स्प्लिट हाफ मेथड किसी भी तरह की रिलायबिलिटी को मेजर नहीं करता है, ये गलत बात है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए सही है, आर गलत है, तो ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो देख ले इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन को करने की ज़रूरत है आपको, एक बार और देख लेते हैं, बाकी मैं आपको आगे ले जाऊँगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलैक्सेशन प्रोसीजर इज टू फोकस अटेंशन ऑन मेंटल डिवाइस, अगर हमें इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी रिलैक्सेशन प्रोसीजर किसी भी रिलैक्सेशन प्रोसीजर में क्या करें कि अपने अटेंशन करना है किस पर, मेंटल डिवाइस पे, अपने आप को रिलैक्स देने के लिए मेंटल डिवाइस यानी कि अपने मेंटल कैपेसिटी को शांत करना होगा, उसको रिलैक्स करना होगा। चलिए ये बात तो सही कह रहा है कि जब तक हम मेंटल को शांत नहीं करेंगे तो उस पर अटेंशन फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपने माइंड को रिलैक्स नहीं दे सकते हैं या रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कह रहा है यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं, नेक्स्ट बात यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि कूल डाउन एक्टिविटी इज़ अ मेंटल रिलैक्सेशन डिवाइस, ये एकदम मेरे हिसाब से गलत है क्योंकि कूलिंग डाउन मेंटल रिलैक्सेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये बात जरूरी नहीं कि कूलिंग डाउन से आपका मेंटल रिलैक्सेशन होता है। हाँ, बॉडी स्ट्रेच करके आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि
रेसलिंग कॉम्पिटिशन आर कंडक्टेड इन डिफरेंट वेट कैटेगरी। देखिए अभी आप घबराइए मत, इसके बाद और भी कई सारे सिंपल एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और वो डायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और कई बार देखिए, सबसे पहले 2006 का ये पेपर नेट का बनाया गया था और इसके बाद ही आपको वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में दिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यह बात साबित हो जाती है कि क्वेश्चन यहीं से रिपीट किए गए हैं, यहीं से लिए गए थे उस एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं इसको लगवा रहा हूँ। मेरा थोड़ा सा सिक्स सेंस ये कह रहा है कि हो सकता है क्वेश्चन रिपीट हो, तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बनते हैं। रेसलिंग कॉम्पिटिशन आर कंडक्टेड इन डिफरेंट वेट कैटेगरी, ठीक है, ये बात सही है कि जब भी आप वेट कैटेगरी लेते हैं तो मतलब रेसलिंग में डिफरेंट वेट कैटेगरी के फाइटर होते हैं, ठीक है, होती है। अ रेसलर विथ मोर वेट इज स्लो मूवर इन कॉम्पिटिशन, तो जिसका ज़्यादा वेट होता है वो होता है कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा स्लो, तो ये इसका गलत ऑप्शन आ रहा है निकल के। मुझे नहीं लगता है कि जो ज़्यादा वेट का होगा उसका जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत बता रहा है, तो मैं इसके साथ नहीं हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। और आगे देखते हैं, इस तरीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देख कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि मेंशन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उनका एक आपको अच्छा सीक्वेंस मेंशन करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पहले नोज आएगा, फेरिक्स आएगा, लेरिंक्स आएगा, फिर एल्वियोलाई आएगा। और ये क्वेश्चंस भी अगर आपने देखा होगा तो कहीं ना कहीं इसको आपको पाया होगा कहीं ना कहीं प्रैक्टिस सेट में, तो ये क्वेश्चन यहीं से लिए गए थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में बताना चाहूँगा कि इसमें पूछ रहा है कि ओलंपिक वेन्यूज़ आर गिवन बिलो, नीचे कुछ ओलंपिक वेन्यूज़ दिए गए हैं और उसके बाद उनके कुछ वो भी दिए गए हैं, ऑप्शन में ईयर दिए गए हैं, ठीक है, कंडक्टिंग ईयर भी दिए गए हैं। आपको सेट करना है 1, 2, 3, 4 करके और नीचे ऑप्शन से सेट करना है मिला के। तो पहले मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो मैक्सिको हुआ था वो हुआ था आपका 1968 में, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूँगा आपका कि जो मास्को हुआ था, ठीक है, मास्को कब हुआ था, 1980 में हुआ था। और मॉन्ट्रियल जो हुआ था 1976 में हुआ था और म्यूनिक जो हुआ था 1972 में हुआ था। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे किसी भी ऑप्शन में आपको पहला मिला 1968, 1980, 1976, ये आपको मिला है सी में, ठीक है, लेकिन 1972 यहाँ किसी में नहीं दिया हुआ है। तो इसमें चारों ऑप्शन के आंसर गलत है और इसको क्या किया गया था, इसको क्वेश्चन को डिलीट किया गया था फाइनल आंसर की में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि हॉकी, हॉकी से संबंधित जो कप है यहाँ पर है आपका रंगा स्वामी कप, ए का चौथा। नेक्स्ट बात कर रहा है बैडमिंटन, बैडमिंटन लड़कियों के लिए होता है उबेर कप। नेक्स्ट बात कर रहा है फुटबॉल, फुटबॉल के लिए होता है रोवर्स कप और टेनिस के लिए होता है डेविस कप। तो ए का पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसमें से मान लीजिए जो सबसे पहले आपको पता है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है, तो पहले उसको पकड़िएगा। चारों नहीं आ रहा तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, अगर दो भी आपको अगर इसमें से आता है तो आप इसका सही आंसर निकाल लेंगे। तो पहले हम हॉकी देखते हैं कि हॉकी का आप सबसे आसान है रंगा स्वामी, तो आप इसको यहाँ से मिला लीजिए और देखिए कि ए का चौथा किस ऑप्शन में है। तो आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन में है, तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन क्या है, गलत है। तो आप इन दो ऑप्शन को काट देंगे, अब इन दो को लेके चलेंगे। बैडमिंटन अगर आपको पता है, मान लीजिए बैडमिंटन आपको नहीं पता है, फुटबॉल पता है, तो फुटबॉल रोवर्स कप होता है। तो सी का पहला देखिए किस में है, देखिए दोनों में सी का पहला है। इसके बाद टेनिस, टेनिस में डेविस कप हो जाएगा डी का, ठीक है, दूसरा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये एक तरीके से करने का तरीका है, आगे देखते हैं और भी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है पीएनएफ मेथड, आपको बताऊँगा पीएनएफ मेथड का फुल फॉर्म होता है प्रो प्रोरिसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट बोला पोलियोमेट्रिक, ठीक। इसके बाद बात कर रहा है फाटलेक,
और इसके बाद वेट ट्रेनिंग। मान लीजिए आपको पोलियोमेट्री का मतलब नहीं पता है, ठीक है, तो पहले आप ए का चौथा देखिए किस में दिए, सॉरी ए का तीसरा देखिए किस में दिया हुआ है। तो देखिए आपको पहली आंसर मिल गया यहाँ पर कि ये वाला ए आंसर सही है, क्योंकि अगर आपको पहला पता है तो आपने डायरेक्टली यहाँ पर बता दिया है ना। वेट ट्रेनिंग किसके लिए होता है, स्ट्रेंथ के लिए होता है, और पोलियोमेट्रिक किसके लिए होता है, पावर बढ़ाने के लिए होता है, और फाटलेक किसके लिए होता है, स्पीड प्ले होता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 33 का लॉन्ग बोन। तो लॉन्ग बोन का कौन सा एग्जांपल इसमें बताना है, एक तरफ बोन दिए हुए हैं टाइप्स ऑफ बोन, और दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है कि उनके एग्जांपल आप कैसे बताएंगे कि उन कौन से बोन लॉन्ग होते हैं फ्लैट होते हैं। तो ये एक तरह से प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी है, ठीक है। मेरे हिसाब से यहाँ से प्रैक्टिस भी करेंगे ज़्यादा अच्छा है, और अनऑथेंटिक जो बुक आप लेके प्रैक्टिस करते रहते हैं ना वो एकदम सही नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आप अपने खुद समझदार हैं। चलिए, तो लॉन्ग बोन्स क्या होते हैं, ह्यूमरस होते हैं। तो आप ए का दूसरा लगाएंगे, अब देखिए ए का दूसरा यहाँ पे तीन जगह दिया हुआ है, तो अगर आपको नहीं आ रहा तो आप इसको काट दीजिए। तो इससे क्या होगा ना, जब आप काटते चले जाएंगे तो आप सही आंसर के नज़दीक पहुँचते हैं। तो जब भी आपको कोई आंसर नहीं आता है तो उसका लगाने का सबसे तरीका यही है कि जो आपको लग रहा है एकदम नहीं है, मतलब कि वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, उस ऑप्शन को काटते हुए चले जाइए, एरर को डिटेक्ट करते चले जाइए। तो एक हो सकता है कि आप दो ऑप्शन में फंसेंगे लास्ट में, तो आप एरर को कम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फ्लैट बोन। तो फ्लैट बोन का एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पर फ्रंटल है। तो बी का तीसरा, बी का तीसरा किस में है, आप देख सकते हैं कि बी का तीसरा, ठीक है, तो ये आपका ये भी कट गया। अभी तक आपके पास तीन ऑप्शन थे, दूसरे वाले में आपने बी को, अब आपके पास दो ऑप्शन बनते हैं। नेक्स्ट बचा शॉर्ट बोन यानी फिलांजस, जो उंगलियों की हड्डी होती है उसे हम शॉर्ट बोन फिलांजस कहते हैं। तो ये आपका बताना है सी का पहला जिसमें सही है, देखिए आपको मिल गया, आपको चौथा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन आपने तीन से ही पूरे आंसर को लगा दिए है ना। तो ये एक तरीका होता है इसको करने का। तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको बताना चाहूँगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है यहाँ पे, आपको मैच द कॉलम दिए हैं, तो इनसे मैच द कॉलम वाले लगाने से क्या फ़ायदा होता है ना, कि आपके एक ही मतलब एक मैच द कॉलम लगाने से आपके चार चार प्रश्न एक साथ हल हो जाते हैं, अगर आपको आइडिया है तो इसके बारे में मैं सच बता रहा हूँ। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स को हम प्लेटलेट्स कहते हैं। तो ए का चौथा किस में दिया हुआ है, दो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ, बाकी ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके। नेक्स्ट बात कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखते हैं कि लो हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन लो हो जाता है तो आप कौन सा रोग हो जाती है, अनीमिया। तो बी का तीसरा किस में दिया हुआ है, देखिए आपको तुरंत ऑप्शन मिल गया। दोनों ऐसे क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं चाहिए, बस अगर आपको इसमें से चार में से सिर्फ दो के बारे में पता है ना तो भी आप जा सकते हैं इसमें। तो लो हीमोग्लोबिन अनीमिया हो गया, और सी डायबिटीज़ का इंसुलिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल का एसडीएल हो गया। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है दैट इज़ करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब जैसे मान लीजिए इसमें आपको बहुत कम बच्चों को पता है तो मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। राउंड रॉबिन का मतलब तो पता होगा, या इनमें से किसी का एक का ही मतलब पता है, ठीक है। तो राउंड रॉबिन का मतलब पता है, कम से कम दो का मतलब आपको पता होना चाहिए तो आप आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राउंड रॉबिन, राउंड रॉबिन का मतलब क्या होता है, लीग टूर्नामेंट। देखिए राउंड रॉबिन लीग टूर्नामेंट हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन को बोलते हैं हम लोग नॉकआउट टूर्नामेंट, हो गया नॉकआउट टूर्नामेंट। नेक्स्ट बोल रहा है विद इन इंस्टीट्यूशन कौन सा होता है, इंट्राम्यूरल्स होता है, ये आपका हो गया। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि आपको ऑप्शन क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है ए का तीसरा, ए का तीसरा देखिए तीन लोगों में दिया हुआ है, एलिमिनेशन का बी का दूसरा, बी का दूसरा देखिए कहाँ दिया हुआ है, लास्ट वाले में दिया हुआ है। तो इसका मतलब जो आपका राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, और सी का चौथा, ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या आपका ऑप्शन है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कैसे इनको क्वेश्चंस को किया जाता है, आप इसको देख लीजिए। जैसे इसमें आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए माइंड को, ब्रेन को, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 36 में यहाँ पर हम ए का दूसरा पहला यहाँ देखेंगे, मीन का जो फॉर्मूला है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहा है यहाँ पे बी स्टैंडर्ड डेविएशन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन थ्री। बात कर रहा है नेक्स्ट सी का यहाँ पे चौथा क्वार्टल डेविएशन, और फिर बात कर रहा है वेरियंस कोवेरियंस, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। देखिए फिर यहाँ से मैच द कॉलम क्वेश्चन आ गया है। मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए और मैच द क्वेश्चन वाले कॉलम को बहुत अच्छे से करना चाहिए। देखिए सिर्फ चीज़ों को बताना और समझाना काफ़ी नहीं है, चीज़ों को तरीके से कैसे एग्ज़ाम के टाइम आप अपने दिमाग को लगाएं, क्योंकि आता हुआ चीज़ भी हम एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, तो मैं इस तरीके से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात कर लेंगे, तो यहाँ पर आपको जैसे मिलर वॉल वॉली टेस्ट के बारे में पता है, तो मिलर वॉल वॉली टेस्ट मान लीजिए, तो यहाँ पे जो मिलर वॉल वॉली टेस्ट है ये आपका किसके लिए किससे होता है, तो बैडमिंटन से संबंध सॉरी हाँ बैडमिंटन से संबंधित है। मिलर वॉल वॉली टेस्ट किससे संबंधित है, मिलर बैडमिंटन से। नेक्स्ट है नॉक्स बास्केटबॉल, तो नॉक्स बास्केटबॉल किससे संबंधित है आपका, ये आपका बास्केटबॉल संबंधित है, बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक्स टेस्ट जो है बास्केटबॉल संबंधित है। नेक्स्ट पूछ रहा है यहाँ पे मैकडोनल्ड, तो मैकडोनल्ड जो है वो आपका संबंधित है फुटबॉल से, ठीक। और डायर जो है वो टेनिस से, तो अगर आपको इसमें से दो ही पता हो जाएगा तो अभी आप यहाँ से निकाल लेंगे। तो पहला का चौथा देखिए किस में दिया हुआ है, दो ऑप्शन में दिया हुआ है। फिर देखते हैं बी का पहला किस में दिया हुआ है, बी का पहला तो ये दिया हुआ है पहले वाले ऑप्शन में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट। और आगे देख लेते हैं और लास्ट अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, और हमारा यहाँ जो क्वेश्चन चल रहा है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर सबसे सही करेक्ट मैच किया गया है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज, तो इसका जो राइट आंसर है आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कि हीट लॉस्ट इज मोर इन कोल्ड कंडीशन, इसे हम हाइपोथर्मिक इफेक्ट कहते हैं। बाकी सभी चीज़ें क्या हैं गलत दिए हुए मैच नहीं करता है। तो हाइपोथर्मिक इफेक्ट मतलब होता है कि जब आप कोल्ड कंडीशन में अपने हीट को लॉस करते हैं। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इंटेंसिटी एंड डेंसिटी इन दोनों का करेक्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पॉलिटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। हाँ ये देख लेते हैं अब, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिटिक्स जो होता है स्पोर्ट्स में वो किस चीज़ की स्टडी है, तो पॉलिटिक्स में जो स्टडी होती है वो है कॉन्फ्लिक्ट्स की और पॉलिसी की, गवर्नमेंट पॉलिसी की। तो ए और तीसरा इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है यहाँ पे कि जिमी जॉर्ज ये इनसे मैच नहीं करता है, ठीक है, ये गलत है। इसमें सबसे सही जो मैच कर रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अपर्णा पोपट जो है बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ यहाँ कह रहा है कि डिग्री ऑफ डिफिकल्टी एसोसिएटेड विद, इसमें किस खेल में सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी माना जाता है, तो इसमें जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ओनली टू, ड्राइविंग जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा डिग्री ऑफ डिफिकल्टी मानी जाती है, ठीक है, इन सारे ऑप्शन में से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट, इनमें से कौन क्रिकेट से संबंधित नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा कि डक ये होता है जीरो पे आउट होना, स्क्वायर लेग होता है, शॉर्ट फाइन लेग या शॉर्ट लेग होता है, लॉन्ग लेग कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ओनली फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ाने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन आपको नवोदय में
केवीएस में और DSSSB में मिला होगा देखने को कि नंबर ऑफ वाटर जंप हर्डल इन स्टीपल चेज। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज 7। 7 वाटर जंप हर्डल्स होते हैं, बाकी 28 होते हैं सिंपल जंप हर्डल्स और टोटल 35 होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।